का शुक्र है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू को हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है मसीसू के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो मैं बाबर इमानवल आज सुबह प्रोग्राम खुदा की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पास्टर शरीफ मसीह इनका ताल्लुक है बिब्लिकल ट्रुथ एवंजेलिकल चर्च से जो मौजूद है कादीविंड पिंड में खुदा इनको जगह बजगह कसर से इस्तेमाल करता रहा और इनके दिल की ख्वाहिश को खुदा ने पूरा किया इन्होंने अपना चर्च उस जगह पर कायम किया है और आज की खुदा की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे खुदा मंद यसुम सि के बाबत का नाम में आप सब भाइयों को बहनों को सुनने वालों को खुदा की बरकत हो मैं नेशनल न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार गुज़ार हूँ जिन्होंने दूसरी दफ़ा मुझे मौका दिया कि मैं कलाम शेयर कर सकूँ और ये कलाम दुनिया में फैले क्योंकि हम एक ही गीत बचपन से गाते हैं घर घर में अंजील सुनाएँगे तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे नेशनल न्यूज़ वालों ने मौका दिया और मैं खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है इंसान की ज़िंदगी की तरक्की का राज हम सब लोग चाहते हैं कि तरक्की करें हम सब लोग चाहते हैं कि सहयाब रहें हम सब लोग चाहते हैं कि खुदा की बरकत पाएँ तो जो मैं जो आज आज शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर मुकदस लोका तबीब की अंजील में से उसका छः बाप और उसकी ठत्तीस ऐसे लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा खुदा के का पा के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो मेरे अजीजों मैं समझता हूँ कि ये लू लोका तभी जो खुदा का बंदा जिसको हम डॉक्टर भी बोलते हैं इसने जो इस मुक़दस आयत लिख कर जो इंसान की तरक्की का ख़लासा किया है हम थोड़ा पीछे जाएँ बनी इसराइल कौम इब्रानी लोग जब इसराइल मिस्र से इसराइल में खरूज हुए यानी कूच किया उन्होंने तो खुदा ने उन्हें एक बात कही खुदा ने मूसा के वसीला से कहा खरूज बाइबल मुक़दस में से तेईस बाप और उसकी पच्चीस से छब्बीस तलावत करेंगे लिखा है और तुम खुदावंद अपने खुदा की आबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बी से बीमारी को दूर कर दूंगा। मेरे मेरेजीज़ों इंसान की तरक्की का राज दो बातों पर है पहली बात जिंदा खुदा की आबादत करना और दूसरा खुदावन के दिए में से खुदा के जूर देना क्योंकि जब हम देखते हैं कि जितना कोई बीज अगर आप गांव में जाएं तो वहां पर किसान लोग जो हैं वो खेत में जब हल जो हल करते हैं खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पर जाकर देखें कि वो बीज बोते हैं अगर एक किला पैली जो है बी बीजी जाए तो दो किले पैली कभी नहीं काटी जा सकती जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे क्योंकि खुदा का कलाम इंसान की तरक्की के राज के बारे में यही कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा जब तक हम खुदा की इबादत नहीं करते हम खुदा के जोर देते नहीं तो हमारी तरक्की रुक जाती है और हम बीमारियों में मुबतला रहते हैं क्योंकि कोई भी इंसान है दुनिया में देख लें कोई नहीं चाहता कि मैं तरक्की ना करूं कोई ना नहीं चाहता कि मेरे घर से बीमारी दूर ना हो लेकिन उसका एक ही जो राह है वो ये है कि खुदा की जो इबादत करें क्योंकि बाइबल मुकदस में यही हमें ए, सिखाता है कि दूसरा क्रंथियों नौ बाप उसकी छः आयत और उसकी सात आयत में लिखा है क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है अजीज़ की अगर डेफिनेशन की जाए तो मैं समझता हूँ के अजीज का मतलब है बेटे और बेटियाँ और बाइबल में बड़ी ख़ूबसूरत एक हम अक्सर ख़ादमों से सुनते हैं कि लिखा है कि खुदा ने कहा कि तुम में ऐसा कौन बाप है जो उसके बच्चे मछली मांगे तो उसे साँप दे अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे मैं समझता हूँ हमारे घर में बच्चे होते हैं और हम बच्चों में बच्चे जब भाग्य आते हैं तो लाजम जब बाप काम से आता है या माँ अपने काम से आती है तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है और बच्चों को उम्मीद होती है कि हमारे माँ बाप आए हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आए बच्चे मांगे या ना मांगे माँ बाप उनको मुहैया करता है और खुदा ने कहा कि मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ तुम्हें क्यों ना मुहैया करूँगा और अच्छी चीज़ों से क्यों ना शेयर करूँगा सो मेरे जीज़ो बाइबल में लिखा है कि तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनो मेरे जीज़ों लेना देने से मुबारक है क्योंकि जब हम ए, देते हैं खुदा के नाम से तो खुदा में तरक्की देता है खुदा में बरकत देता है और खुदा के जो हम दुआ जब करें तो खुदा में जो है ए, सर सरबुलंदियों पर ले जाता है इसीलिए यशवा की किताब में भी ये तलीब दी गई है कि खुदा का बंदा यशवा कहता है कि शरीय की किताब तेरे एक से नटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे और तू तो खूब सर बुलंद होगा और खुदा तुम्हें इकबाल मंदी बख्शेगा मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, हमें इस बात पर फोकस करना है और दो बातों को अपने जेन नशीन कर लें और समझें कि इसके अलावा हमारी कोई तरक्की नहीं हमारी कोई तरक्की का राज नहीं और अगर हम कहें कि सेहतमंद हों जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो लाजम है डॉक्टर जो जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं किसी की हज़ार रुपया फीस होती है किसी की पाँच सौ फीस होती है किसी की तो मैंने सुनने में आया कि पाँच हज़ार रुपया फीस होती है और बग़ैर फ़ीस लिए आप घर से उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकते आपको पता होता है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है और उसको ये फ़ीस हमसे सुन रखा था कि फ़लान डॉक्टर के पास जाएँगे उसकी ये फ़ीस है वो फिर मेडिसिन लिखता है और आप घर में यूज़ करते हैं और आप समझते हैं कि हमें शफा मिली है खुदा का प्रोसेस अलग है क्योंकि शफा खुदा की तरफ से है बरकत खुदा की तरफ से है तरक्की खुदा की तरफ से है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबज है और खुदा ही उस घर की हिफाजत ना करे तो जागने वाला जो है उसके लिए बेफायदा है मेरे चीज़ों सोचें इस बात को जैन नशीन करें कि अपने खुदामंद की इबादत करें जो आसमान और ज़मीन का जिंदा खुदा है आसमान उसका तख्त है ज़मीन उसके पा की चौकी है ज़मीन और उसकी ममूरी खुदामंद की है हमें एक ही खुदा की इबादत करनी है जो आसमान और ज़मीन का खालों मालिक है जो सच्चा और जिंदा खुदा है जिसने चाँद सितारों को बनाया जिसने आसमान को बनाया जिसने ज़मीन को बनाया जिसने पानी को डांटा और पानी जमा हुआ और खुदा ने पानी को समुद्र कहा जिसने खुशकी को पानी पर रखा और उस खुशकी को ज़मीन कहा वो हमारा ज़िंदा खुदा है क्योंकि खुदा ने जब मूसा को चुना कि मेरी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला तो मूसा कहता है कि मैं क्या कहूँ कि मुझे किसने भेजा है तो मूसा को खुदा कहता है कि तू कहना मैं जो हूँ सो हूँ ने भेजा है सो मेरे जीजो हूँ सो हूँ एक ही खुदा है जिसकी हम इबादत करेंगे जब हम इबादत करेंगे तब वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारे घर से बीमारियों को दूर करेगा यही इंसान की तरक्की का राज है सो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा खुदा आपको बरकत दे आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे खुदा बाप और बेटे और के नाम से बेहतर शुक्र अदा करता हूँ जितने कानों ने खुदा इस मैसेज को सुनना उनको सुनने वाले कान समझने वाली अकल और कबूल करने वाला दिल बख्शना खासकर मैं न्यूज़ चैनल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जिसके वसीला से ख़ादम आते हैं और खुदावंद तेरे पेगाम को शेयर करते हैं और तेरे लोग बरकत पाते हैं खुदावंद इस चैनल को बरकत देना तरक्की देना ये मशरक मगरब जनूब शुमाल तेरी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करें स एम के नाम से मांगता हूँ आमीन